भरतपुर तहसील नगर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के समाधान को लेकर एबीवीपी के बैनर तले सह जिला संयोजक मयंक सोनी के नेतृत्व में चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं लेने पर मामला तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन अनशन पर बैठे छात्र नेता के तबियत बिगड़ने पर तहसीलदार, पुलिस प्रशासन व कॉलेज प्रसारक सहित स्टाफ द्वारा छात्र नेता का अनशन तोड़वाने के लिए अनशन स्थल में उनके रजाई गद्दों को प्रचारक के द्वारा फेंकने व छात्र नेता की गिरेवान पकड़ बदसलूकी करते हुए उसको जबरदस्ती अस्पताल ले गयी। अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्र नेता की कोई सुध नहीं ली गयी। राजस्थान में हम कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। हमारे कॉलेज में न पानी पीने की सुविधा है, जिसमें से 21 पद नियुक्त हैं अध्यापकों के, जिसमें से 6 अध्यापक स्कूल में आते हैं और हमारी जो क्लासें गंदी हुई पड़ी रहती हैं, ना ही फर्नीचर है बैठने की सुविधा ढंग से, ना पानी की उचित व्यवस्था है और जो नालियों का जो पानी अंदर जाता है वहाँ इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। और हम कई दिनों से, हमने कई बार ज्ञापन भी सौंपा है, हमारी अभी तक सरकार ने कोई भी मांग पूरी नहीं की है। पुलिस से उठा के ले गई, उसी को हमने कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर कॉलेज के सामने धरना रखा है और इसी धरने में के साथ ही इनकी जो अनशन था ये लगातार आमरण अनशन कर रहे थे। भूख हड़ताल लगातार जारी है, आज इनको तीसरा दिन है। यदि अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया है, हमारी लगातार ये मांग जारी रहेगी। कॉलेज के विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। दूसरी बात, आज हमें व्यापार संघ का भी पूरा समर्थन मिला है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मार्केट बंद रहेगा और हमारी जो ये मांगे तब तक नहीं मानी जाती है, तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर इस हड़ताल को जारी रखेंगे। होशियार मीणा, प्रदेश मंत्री, एबीवीपी।